रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हाल ही में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने किम जोंग उन से मुलाकात की थी। इस दौरान किम जोंग उन ने रूसी रक्षा मंत्री को अपने हथियारों का जखीरा भी दिखाया था। यहां तक कि किम ने सर्गेई को अपनी परमाणु मिसाइल से भी रूबरू कराया था और इस मुलाकात के पीछे एक बड़ी हथियार डील बताई गई थी। ऐसा कहा गया था कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा हुआ है, जिसके तहत किम जोंग उन पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर मिसाइल और गोला बारूद देने जा रहे हैं। हालांकि रूस और उत्तर कोरिया दोनों ने ही इस बात से इनकार कर दिया है, लेकिन अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की एक चिट्ठी सामने आई है, जिसमें ये बात साफ हो गई है कि यूक्रेन युद्ध में तो उत्तर कोरिया रूस के साथ खड़ा ही है। इसके अलावा अमेरिका को काउंटर करने के लिए दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दरअसल किम ने कोरिया की आजादी की 78वीं सालगिरह पर यह चिट्ठी पुतिन को लिखी है, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें की हैं। किम जोंग उन का कहना है कि दोनों देशों की दोस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत के साथ बनी थी और अब साम्राज्यवादियों की मनमानी और आधिपत्य को नष्ट करने में संघर्ष में अपनी अजेयता और पूरी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये दोस्ती और एकजुटता नए युग की मांग के अनुरूप एक लंबे रणनीतिक रिश्ते के रूप में विकसित होगी। किम जोंग उन अपनी इस चिट्ठी में आगे लिखते हैं कि दोनों देश अपने सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक दूसरे का मजबूती और सहयोग करते हुए हमेशा जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की इस चिट्ठी के जवाब में पुतिन ने भी एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें पुतिन कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि हम दोनों देशों की जनता की भलाई और कोरियाई प्रायद्वीप और पूरे पूर्वोत्तर एशिया में मजबूत स्थिरता और सुरक्षा के लिए सभी क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। लेकिन किम जोंग उन की इस चिट्ठी से एक बात तो साफ हो गई है, भले ही रूस और उत्तर कोरिया हथियार सौदे को लेकर नाना करें, लेकिन उनकी ना में ही उनकी हाँ छिपी हुई है। और बड़ी बात यह है कि दोनों ही देश अमेरिका के दुश्मन हैं। दोनों के ऊपर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों का अंबार लगा दिया है और यूक्रेन युद्ध के बाद से ही दोनों देशों की नजदीकियां भी काफी बढ़ गई हैं। और यही वजह है कि अमेरिका का कहना है कि किम जोंग उन ने रूस को मिसाइल, गोला बारूद कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट लॉन्चर तक सप्लाई किए हैं। इसके अलावा अमेरिका का ये भी कहना है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच किसी भी प्रकार की हथियार डील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समझौते का उल्लंघन करेगी।